सभी स्टूडेंटों को नमस्कार। आज का जो टॉपिक है अपना वो है ऑक्सीलोस्कोप पर, ठीक है। तो ऑक्सीलोस्कोप के बारे में हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें समझेंगे कि क्या होता है ऑक्सीलोस्कोप और कहाँ पे इसका यूज होता है और कितना इम्पोर्टेंट है ये इलेक्ट्रिकल्स में जो है। तो ऑक्सीलोस्कोप का यदि अपन थोड़ा सा मतलब समझें अपनी भाषा में, तो जो ऑक्सीलोस्कोप होता है वो ये होता है कि यदि हमें किसी रूप को या किसी चलचित्र को हमें किसी डिस्प्ले पर देखना तो उसको हम कैसे देखें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने करंट पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पढ़ी, तो इन सब को अपन ने मीटर में देखा नहीं है कभी, केवल मीटर में इनकी वैल्यू देखी है, ठीक है, यानी कितने मान का होता है, लेकिन कभी हमने ये नहीं देखा है कि ये कैसा होता है या किस तरीके से अपन इसको चलता, किस तरीके से फ्लो कैसे होता है, ये भी हमने नहीं देखा है। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें एक जो यंत्र है ऑक्सीलोस्कोप है उसकी ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। तो ऑक्सीलोस्कोप एक्चुअली में क्या होता है, जैसे हमारे कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उस तरीके की एक डिस्प्ले है। वास्तव में अगर बात की जाए तो सबसे पहले ऑक्सीलोस्कोप ही बना है और उसके बाद हमारी जो जितनी भी डिस्प्ले है जो है, जैसे सबसे पहले अपनी टीवी की डिस्प्ले हुई, कंप्यूटर की डिस्प्ले हुई, आजकल एलईडी आने लगी, मतलब मॉडिफाई हो गया, लेकिन अगर हम पुराने वे में जाएंगे ना तो पूरा का पूरा जो है वो ऑक्सीलोस्कोप बना था। मतलब पहले कोई अपन को जो चलचित्र देखने पड़ते थे, फोटो देखें, वीडियो देखें, ठीक है, तो वो आज अपन टीवी के रूप में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन पहले वैज्ञानिक जो लोग थे वो करंट वोल्टेजों की तरंगों को देखने के लिए इसका उपयोग करते थे। उसके बाद जब ये मॉडिफाई हुआ तब इसका उपयोग जो है वो होने लगा, किसके रूप में जो है, टीवी के रूप में, कंप्यूटर के रूप में, इस तरीके से फिर ये आगे बढ़ने लगा। तो इस तरीके का जो यंत्र होता है टीवी जैसा, स्क्रीन जैसा, तो इस पर इसको हम बोलते हैं ऑक्सीलोस्कोप जो है, ठीक है। इसकी क्या होती है, स्क्रीन होती है पूरी जो है, ठीक है, ऑक्सीलोस्कोप की जो स्क्रीन होती है। तो इस पर क्या होता है, ग्राफ पेज होता है। ग्राफ पेज में हम क्या करते हैं, जैसे हमारा 5 वोल्टेज चल रहा है, तो वो वोल्टेज एसी है या डीसी है, किस तरीके का चल रहा है, तो ग्राफ में हमको दिख जाएगा। जैसे अभी हमने कहा पीक वोल्टेज कितना हुआ, तो पीक वोल्टेज अपन को ऊपर को दिख जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव साइड क्या वोल्टेज है वो भी दिख जाएगा, नेगेटिव साइड क्या वोल्टेज है वो भी दिख जाएगा, और कितना चल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको पहचानते हैं, यानी हम कहें कि जो ऑक्सीलोस्कोप है वो एक करंट वोल्टेज फ्रिक्वेंसी को देखने का यंत्र है, यानी किस तरीके से इसकी जो साइन वेव है वो किस तरीके से चल रही है, और उसी से हम उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं कि ये कितने मान का जो है वोल्टेज है, एसी है, डीसी है या फ्रिक्वेंसी है जो है। इसको मापने के लिए हम जो उपयोग करते हैं वो ऑक्सीलोस्कोप का उपयोग करते हैं। अब ये काम कैसे करता है जो है, तो काम करने के लिए क्या होता है कि जैसी हमारी पुरानी टीवी होती थी, तो पुरानी टीवी में क्या होता था, पिक्चर ट्यूब होता था, तो पिक्चर ट्यूब में क्या होता, काफ़ी चीज़ें लगानी पड़ती थी हमें, एक लेज़र बनाना पड़ता है, यानी तरंग बनानी पड़ती है प्रकाश की जो है, उसके बाद जो भी हमारे चलचित्र होते हैं वो हमें ग्राफ पर दिखाई देते हैं। अब इसमें कितनी तरीके की चीज़ें लगी रहती हैं, क्या क्या लगा रहता है, इसको हम ग्राफ पेपर पे समझते हैं और ये किस तरीके से काम करता है और क्या क्या इसको मापता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जो हमें समझ में आएगा वो ग्राफ पेपर पे आएगा। तो अब हम इसको समझते हैं ग्राफ पेपर। अब आ गए हम डैशबोर्ड पर और आज समझने वाले हैं हम ऑक्सीलोस्कोप। तो ऑक्सीलोस्कोप में कुछ भाग होते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट्स भाग होता है वो सीआरओ होता है। सीआरओ इसका कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप होता है जो है, ठीक है, और एक होता है सीआरटी, तो वो होता है आपका जो है कैथोड रे ट्यूब होती है जो है। तो सबसे पहले इस यंत्र के बारे में समझिए क्या होता है ऑक्सीलोस्कोप। ऑक्सीलोस्कोप है जो मेजरिंग ऑफ करंट वोल्टेज, ठीक है, एंड फ्रिक्वेंसी को मेजर करने वाला यंत्र होता है। हम चूँकि मीटरों से तो मापते हैं तो मीटरों से क्या वैल्यू आती है, बट इसमें क्या है, तरंग रूप हमें इसका दिखाई देता है जो है। तो जितने भी हम आजकल पुराने टीवी हैं वो सब ऑक्सीलोस्कोप जैसे ही हैं। डॉक्टर लोग जैसे हमारे पल्स को भी देखना है तो भी इसी यंत्र का प्रयोग होता है जो है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यंत्र होता है, इससे काफ़ी चीज़ें आसानी से डिस्प्ले पर देखने को मिलती हैं और पता चलता है कि इसमें किस तरीके का इनपुट और आउटपुट सिग्नल आ रहे हैं जो है, ठीक है। तो इसके कुछ भाग होते हैं। सबसे पहले पहला जो भाग होता है वो अटेंड ट्यूनर्स होता है, ठीक है, दूसरा जो भाग होता है वो एम्पलीफायर्स होता है, ठीक है, और तीसरा इसका जो भाग होता है वो साटूथ जनरेटर्स होता है, और चौथा जो होता है गेट एम्पलीफायर होता है, या जेड एम्पलीफायर भी कहते हैं इसको, ट्रिगर कहते हैं नेक्स्ट में, और सीआरटी है,
और पावर सप्लाई है जो है, ठीक है। अब अपन इनको थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं एक बार। यहाँ पे हम चित्र में देख रहे हैं इस तरीके का इसका पूरा चित्र होता है। इसमें देखो वर्टिकल सिग्नल इनपुट होंगे और यहाँ पे जो आपके हॉरिजेंटल्स होंगे जो है, तो जब अपन इसको यहाँ से इनपुट सिग्नल देंगे तो वर्टिकल अटेंट्यूनर होगा और हॉरिजेंटल अटेंट्यूनर्स होता है। मतलब इसको हिंदी में अगर हम कहेंगे तो ये छिन्नकारी होता है। छिन्नकारी से मतलब होता है तरंग को आपको वर्टिकल कराना है या हॉरिजेंटल, मतलब जो सिग्नल आपने दिए हैं वो सिग्नलों को आपको कैसे कराना है, ठीक है। सॉटूथ जनरेट होता है, यहाँ से क्या हो तरंग का रूप बनता है, और ट्रिगर से ये होता है कि कितना इसको ये चालू कराना है जो है, ठीक है। फिर जो होता है हमारे वो एम्पलीफायर, जो दूसरा भाग ये यहाँ से है ये होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है, यहाँ पे जो कमज़ोर सिग्नल हम इनपुट में देंगे तो एम्पलीफायर आपको बताया था मैंने ये सिग्नलों को बढ़ा देगा, तो इनका जितना बड़ा रूप करना है वो उतना बड़ा रूप यहाँ कर देगा। अब जो भी सिग्नल होते हैं वो आपके जो है डिस्प्ले पर पहुंच जाते हैं कि अपन को सिग्नल इसमें दिखाना क्या है। तो जो डिस्प्ले होती है वो CRT होता है जो है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे पुराना डिस्प्ले है CRT, कैथोड रे ट्यूब कहते थे। पुराने जो TV देखोगे आप ये पीछे को लंबे रहते हैं, इनकी पहचान ही रहती है, पीछे को भाग रहता है, इस तरीके से रहते हैं। तो ये तो हो गए इनके सारे भाग, हो गए एक आपके जो है ऑसिलोस्कोप के जो है। अब मैं थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ आपको जो है। यहाँ से अपन और नीचे जाएंगे इसके जो है, तो कुछ ऑसिलोस्कोप जब रहता है ना तो इसमें इस तरीके का ये सिस्टम पूरा का पूरा दिखाई देता है हमें जो है, ठीक है। ये इसका मेन भाग होता है, कोई भी ऑसिलोस्कोप जब अपन देखते हैं तो इतने सारे सिस्टम इसमें रहते हैं। अब एक्चुअली क्या होगा, इसमें काफ़ी बटन रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने TV में देखे होंगे, पुरानी TV में देखे होंगे, कोई बटन जो रहता है वो ऑन का रहता है, ऑफ का रहता है, चैनल सेट का रहता है, ठीक है। पल्स को आगे पीछे करना, ऊपर नीचे करना, ये सब इनसे होता है। मतलब जो ग्राफ जो यहाँ पे डिस्प्ले में है, अब जो भी हमारा चाहे वो AC तरंग आए या DC तरंग आए, ठीक है, तो वो ऊपर करना, नीचे करना, कौन सा चैनल सेट करना, ठीक है, उसकी जो रेंज है वो बढ़ाना है, कम करना, एरिया कितना करना, ये सब इन जो बटन है इनसे होता है। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें सारे बटनों का जो है वर्णन होगा कि किस बटन से कौन सी चीज़ ऑपरेट होती है। तो ये ऑसिलोस्कोप का जो मेन भाग ऊपर दिखता है ये वो है जिससे पूरा ऑसिलोस्कोप चलता है, यानी कंट्रोल होता है जो है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इससे काम हम क्या क्या कर सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं। तो काम के लिए इसका यूजेज है वो होता है आपका वोल्टेज को मेजर करना, ठीक है। अब वोल्टेज को मेजर कैसे करना है, इस चीज़ को अपन को अच्छे से इसको समझना पड़ता है। तो हम इसके द्वारा वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। देखो वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या होता है, जैसे ये अपन को डिस्प्ले दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये DC वोल्टेज को मेजर कर सकता है, AC को भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ग्राफ है जो है, ठीक है। ये ग्राफ से क्या होगा, ये यहाँ पे जो पूरा ग्राफ बना हुआ है, तो ग्राफ से क्या होता है, इसका जो मेजरिंग करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना, फिर इसका डिवाइडेशन देखना पड़ता है कहाँ पे कितना, मतलब जो एक एक इसका जो है ग्राफ है वो कितने का है। जैसे ये डिवाइडेशन है इसका 2.6 डिवाइड है जो है, ठीक है, और ये वोल्टेज इस लाइन पे चल रहा है। अब अपन यहाँ से गिनेंगे तो ये हो गया कितना, 2.6 हो गया, ठीक है। तो अब इसको डिवाइडेशन में जो मेन वोल्टेज अपन ने दिया, जैसे इसमें देखो मैंने 20 वोल्टेज दिया था, ठीक है, जो 20 वोल्टेज था, अब इस पे ये 20 पे सेट है, मतलब एक जो इसका स्लॉट है ये 20 पे है। तो अब इसका डिवाइडेशन कितना है, 2.6, तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका जो है 52 वोल्टेज। तो ऐसे मतलब अपन को ये पता रहना पड़ता है कि जो ग्राफ का एक कॉलम है वो तो कितने का है, तभी अपन इसको निकाल सकते। जैसे ये एक कॉलम ऊपर को जाएंगे तो देखो एक कॉलम एक का ही, तो ये 2.6 पे है, तो ये डिवाइडेशन निकालना पड़ेगा, और इधर को अपना कितना चल गया वो निकालना पड़ेगा, तब इससे अपन वोल्टेज की गणना कर सकते हैं, यानी डिस्प्ले पर वोल्टेज को देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसमें AC वोल्टेज DC वोल्टेज की मेजरिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखो ये AC वोल्टेज का मेजरिंग किया जाएगा। AC वोल्टेज में थोड़ा सा देखो डिफरेंस रहता है, इसका दोनों का लेना पड़ता है, जैसे ये पॉजिटिव साइड का भी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइड का भी रहेगा और नेगेटिव साइड का, इधर मतलब ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और ये इधर नीचे रहती है, ये नेगेटिव साइड है। तो इसमें देखो ये जो डिवाइडेशन होगा वो 6.2 हो गया, मतलब इधर से यहाँ तक का गिना जाएगा और ऊपर को भी गिना जाएगा। अब देखो ये गुणा होगा तो पीक टू पीक वोल्टेज निकाले जाएगा, तो इसमें जैसे 5 वोल्टेज था, मतलब ये टाइम लेना पड़ेगा इस वाली लाइन का, तो इसका टाइमर
कितना है, 5 है, मतलब ये जो लाइन होती है टाइमर की रहेगी ये वोल्टेज तो 5 है, तो इसमें जो गुणा होगा वो 32 होगा, लेकिन 32 कौन सा वोल्टेज है, पीक टू पीक वोल्टेज है, ठीक है। अब अगर आप उसको पीक वोल्टेज में बदलते हो तो आधा हो जाता है, और RMS में बदलते हो तो ये देखो 0.707 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो तीनों वोल्टेज हो जाएगा, ये 32 इसका पीक टू पीक निकल आया, पीक इसका आधा हो जाएगा, और RMS आपको पता है, ठीक है, इसमें √2 का भाग लग जाता है, तो ये इतना आ जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि वोल्टेज की गणना अपन एक ऑक्सीलोस्कोप से कैसे करते हैं जो है, ठीक है, यही इसमें बताया जा रहा है, कभी इसका क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद हम इससे फ्रिक्वेंसी की भी गणना कर लेते हैं, तो मैं उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हम फ्रिक्वेंसी की गणना कर सकते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी चल रही है, तो फ्रिक्वेंसी की गणना करने के लिए इम्पोर्टेंट सूत्र होता है एक, ठीक है, ये होता है देखो फ्रिक्वेंसी अपॉन इक्वल टू 1/ टाइम पीरियड। तो बस आपको इसमें कुछ नहीं करना, टाइम पीरियड पता करना पड़ेगा कि टाइम पीरियड अपना कितना चल रहा है, तो जो भी टाइम पीरियड होगा, जैसे मान ले जाए आपका है 5 सेकंड है टाइम पीरियड, ठीक है, तो ये हो जाएगा जैसे f फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो f बराबर 1/5, इसका भाग लगा दोगे तो फ्रिक्वेंसी अपनी आ जाएगी। देखो यहाँ पे शायद एक सवाल भी दिया है एग्जांपल के लिए, मैं इसको बता देता हूँ आपको सॉल्यूशन करके, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। सबसे पहले हमें टाइम निकालना है, टाइम तो डिवाइजन इनटू टाइम बेस सेट, आपने कितना टाइम पे सेट किया, चूँकि ऑक्सीलोस्कोप को बार बार सेट करना पड़ता है, मतलब हम किस टाइम पर सेट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक कॉलम को हम चाहें तो 10 मान लें, उसी कॉलम को हम 100 मान लेते, तो इस तरीके का सेट, तो डिवाइडेशन हमने 5 का किया है, ठीक है, और टाइम सेट कितना है हमारा 0.2, तो मतलब 1 मिली सेकंड हो गया टोटल जो टाइम हो गया, या फिर अपन को डिवाइशन भी दिया जाएगा और टाइम बेस दिया जाएगा, तो अपन ऐसे निकाल, या फिर 1 मिली सेकंड में कितनी फ्रिक्वेंसी होगी वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सूत्र लगाया फ्रिक्वेंसी इक्वल टू 1/T और इसको सॉल्व किया तो ये आपकी 1000 हर्ट्ज आ गई, मतलब ये जो इसकी जो फ्रिक्वेंसी चल रही है वो 1000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी चल रही है। तो ऐसे जो है हम ऑक्सीलोस्कोप को गणना कर लेते हैं फ्रिक्वेंसी की और वोल्टेज की जो है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम गणना करते हैं। मैं एक बार फिर से बताऊंगा, ऑक्सीलोस्कोप से हम केवल ध्यान रखना डीसी वोल्टेज, ठीक है, एसी वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी ही मापते हैं, मतलब करंट को मेजर नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है अपन को, ठीक है, ऑक्सीलोस्कोप से। और सिग्नलों को भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके के सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं कि नहीं। इससे क्या होता है कि जितने भी जैसे अपने चैनल सिग्नल हुए, ठीक है, FM रेडियो वगैरह के जो सिग्नल हुए, ये भी इससे अपन याद कर सकते हैं जो है। तो इस तरीके से होता है अपना ऑक्सीलोस्कोप।